तो जो उस पार्टी का एजेंट होता है उसको आपको जरूर दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएंगे तो वैध हो जाएगा, दिखाएंगे तभी वैध होगा। मैं अपनी पार्टी का एजेंट था, मैंने सबके वोट देखे। हमारी पार्टी के एक भी विधायक ने गलत वोटिंग नहीं की थी, सिर्फ एक को छोड़कर, वो अग्रवाल को छोड़कर, नितिन अग्रवाल को छोड़कर। लेकिन हमने जो अन्य निर्दलीय लोगों से बात की थी, जो दूसरे दल के लोगों से हमने बात की थी, जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था हम आपको उम्मीदवार की मदद करेंगे, उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। और बहुजन समाज पार्टी के भी एक दो विधायकों को सत्ता के बल पर, ताकत के बल पर क्रॉस वोटिंग करवा दी गई, जिसके कारण हमारा बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जिसका नाम भीमराव अम्बेडकर है वो राज्यसभा के चुनाव हार गए। जब मैं गया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया सुबह, क्योंकि वोट मैं देख रहा था, मुझसे बात करने के लिए उन्होंने बुलाया। राज्यसभा के चुनाव के बाद दूसरे दिन सवेरे मुझे याद अच्छी तरह से उन्होंने पूछा कि हुआ क्या। जब मैंने पूरी घटना बताई तो उनका भाग्य क्या होना चाहिए, हमने कहा आप निर्णय करें, आप चाहते हैं इसी राज्यसभा के चुनाव तक ये गठबंधन है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आगे तक चलना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने एक निर्णय लिया है, हम इस गठबंधन को आगे तक चलाएंगे। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि विधान परिषद में हमारे पास दो सीटें हैं, अब जो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा का चुनाव हार गया है, इसको समाजवादी पार्टी अपने सीट में से एक सीट देते हुए विधान परिषद में पहुंचाने का काम करेगी। और आपको शायद जानकारी न हो, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पता होगा, हमारे नेता ने अपनी सीट दे करके बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भीमराव अम्बेडकर को विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, आप कोई भी बड़ा काम करने जाओगे तो छोटे मन से कभी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी बड़े उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, तो साथियों मन भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। हमेशा बड़े मन से ही बड़ा काम होता है, कभी छोटे मन से छोटा काम नहीं होता। अगर ये गठबंधन में, अब तो ये सीटें भी पूरे प्रदेश की आ गई, किस पार्टी का उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लेगा। अगर आप अखिलेश यादव जी के सच्चे सिपाही हो, समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हो और चाहते हो इस देश का दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज, अकलियत के लोग, उनका भी संविधान के अनुसार हक और अधिकार सुरक्षित रहे, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कुछ और छोटे छोटे दलों का जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन का जो भी उम्मीदवार है पूरी ताकत लगाकर उसको जिताने का काम हमको आपको करना है। और इसी बात के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 403 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, जिसके तहत हम आप यहां इकट्ठा है। साथियों, 5 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 2 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोगों ने देखा होगा, ए भाई थोड़ा मोबाइल बंद कर दीजिए या चले जाइए, आप लोगों ने देखा होगा 2 साल के अंदर, और 2 साल के पहले हमारी भी सरकार आपने 5 साल देखा होगा। मैं नीचे से बात को शुरू करना चाहता हूं। इन 2 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप सर्वताह थाने पर चले जाओ, आप सहागंज थाने पर चले जाओ, आप खुटहन थाने पर चले जाओ, आप खेतासराय थाने पर चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ,
छह बजे थानेदार नहा के कुर्सी पर नहीं बैठता, छह बजे दलाल थाने पर बैठ जाते ही नहीं बैठ जाते। और फिर भी हमको आपको समझाना पड़ रहा है, इसके बाद भी अगर हमको आपको समझाना पड़े तो लगता है आपके आने वाली संतानों का दुर्भाग्य है। इसलिए प्रधान जी बैठाओ भाई, प्रधान जी बैठाओ, बैठो बैठाओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े उद्देश्य की तरफ जब आपको बढ़ना है तो बड़ा मन लेकर चलिए। आखिर ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी के कोटे में सीट रहती तो आप जानते हैं कौन चुनाव लड़ता? आपको बताना नहीं है। तो जब चुनाव लड़ने वालों को कोई नाराजगी नहीं है तो आप में से कोई क्यों नाराज होगा? अगर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो तो जो भी गठबंधन का उम्मीदवार है वही समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। इस उद्देश्य के तहत आपको चलना है। जब लोकसभा के चुनाव होंगे हो सकता है मुझे इस क्षेत्र से बाहर भी, प्रदेश की और भी सीटों में जाना पड़े, और भी क्षेत्रों में जाना पड़े, मैं पूरा समय आपके बीच नहीं दे पाऊं। साथी ये नहीं कहेगा कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया है। और इसीलिए हमने बहुजन समाज पार्टी साथियों को भी यहाँ बुलाया है। कार्यकर्ता तो यहाँ समाजवादी पार्टी के इकट्ठा है, नेता भी ज्यादा समाजवादी पार्टी के इकट्ठा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के भी दो चार पांच जिम्मेदार साथियों को हमने बुलाया ताकि हम आप बैठ करके बात कर सको। आज जो हालात हैं आप देख रहे होंगे, अभी आपने जिक्र की 15 लाख, भाई बताइए, पहले हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे कि जब कोई सामान लेने जाना तो जरा तराजू को बटकरे को ध्यान से देखना, क्योंकि तराजू वाला टेनी बहुत तेज मारता है। कहते थे कि नहीं कहते? आज भी हम लोग अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी भराया करो तो मीटर जरूर देखा करो। हम अपने भी पेट्रोल पंप पर कहते हैं मीटर देखा करो। और आप में से किसी ने तराजू नहीं देखा कि गुजराती जो दोनों दिल्ली में बैठे हैं ऐसा टेनी मार दिए कि किसी को पता नहीं लगा मारे कि नहीं मारे। बताओ 50 किलो की यूरिया 45 किलो हुई कि नहीं, तो टेनी 5 किलो की लगी कि नहीं। एक दिन विधानसभा में बैठे बैठे हम लालजी वर्मा 2.5 के दाम जोड़ रहे थे, हमें राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना था, तो जो 50 किलो की बोरी का दाम था उसमें से 5 किलो इन बनियों ने निकाल लिया। बनिया का मतलब मेरे मोदी और अमित से, कोई और नहीं समझेगा। 5 किलो की टेनी मार दिया और दाम जो बढ़ा दिया वो दाम हो गया उस 50 किलो के रेशियो में। अब डाई का दाम जोड़ो तो 1600 रुपए पड़ता है, 1618 रुपए। 45 के हिसाब से जो आज रेट है उस डाई के रेट को 50 किलो के रेट से अगर जोड़ो तो 1618 रुपए मिलता है। और जब हमारी सरकार थी तो कितने मिलता था? 1000 कुछ का मिलता था, 1000 कुछ का। मैं इसलिए कम जानता हूँ कि डाई वाले किताब हमारे पिताजी रखते हैं, इसलिए कम। लेकिन 1000 कुछ का पड़ता था, 1000 के लगभग। तो एक बोरी डाई में इन गुजरातियों ने हमको आपको 600 रुपए ठगा कि नहीं ठगा कि नहीं 600 रुपए। और दाम है धान का, सरकारी दाम है 1750 रुपए। और 80% किसान को अपना धान 1200-1300 रुपए में बनियों के हाथ बेचना पड़ा कि नहीं बेचना पड़ा? हम 80 ही कह लेते हैं, 80% किसानों को अपना धान व्यापारियों के हाथ 1300 रुपए में बेचना पड़ा। तो एक एकड़ में अगर 15 क्विंटल ही धान पैदा होता हो और एक क्विंटल में 1750 में 1300 घटाइए 450 रुपए हुआ, और 15 क्विंटल अगर आपने पैदा किया तो
6,750 रुपए ये कुंटल धान पैदा करने वाले को इस सरकार ने नुकसान दिया कि नहीं दिया? हिसाब किताब लगाओ भाई, जब बनिया के यहां जाओगे तो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। 6,750 रुपए एक क्विंटल धान, एक एकड़ धान की खेती करने वाले किसान को सरकार की गलत नीतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। 600 रुपया टाइम उठाना पड़ा, 6,750 रुपया धान में उठाना पड़ा, बिजली का बिल दुगना हो गया, 3 गुना उसमें उठाना पड़ा। आप इस सरकार की गलत नीतियों के कारण एक डेढ़ बीघे के किसान को कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए सवाने का नुकसान किसान को उठाना पड़ा। 20,000 से 25,000 एक एकड़ की खेती करने वाले किसान को नुकसान उठाना पड़ा। और इन्होंने जब अंतिम साल आया, 5 बजट जब पार कर गई, साथियों ये भाजपा सरकार का दिल्ली का सप्लीमेंट्री बजट है। सप्लीमेंट्री बजट होता है 3 महीने के लिए। ये सप्लीमेंट्री जो बजट आया है ये 3 महीने के लिए है। इसके बाद जो चुनी हुई सरकार थी वो सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी। तब सप्लीमेंट्री बजट में इन्होंने लॉलीपॉप देने के लिए किसानों को कहा कि हम 2,000 रुपया 6,000 रुपया सालाना देने का काम करेंगे। उसको जो खेती करता है, हम पूछना चाहते हैं गांव में जिसके पास खेत नहीं है उसका क्या इंतजाम आपने किया? और लिया आपने हमसे 20,000 और दे रहे हो हमको 6,000, तो 14,000 हमको कब दोगे बताओ? आज ये सवाल आपको भाजपाइयों से करना है, नहीं तो हमारे लोग जो हैं बड़ी बुरी आदत है। ये भाजपाई और आरएसएस के लोग चाय की दुकान में इनके पास बैठ जाते हैं, इनकी चाय भी पीते हैं, इनसे अपनी हार भी कहवाते हैं, 5 रुपया भी नुकसान करते हो और वोट भी नहीं देते हैं, तो कम से 5 रुपया तो बचाओ, उनका चाय तो बंद करो, हुक्का पानी तो बंद करो, कब करोगे? इस लोकतंत्र में जो तुम्हें वोट देकर राजा लोकतंत्र का मालिक नहीं बनाना चाहता, उससे काहे का संबंध रखना चाहते हो भाई? उसके पास क्यों बैठना चाहते हो? उसके साथ क्यों संबंध रखते हो? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बहस करने की जरूरत पड़ेगी। एक एकड़ के किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों का पीछे से गलत नीतियों के कारण 20,000 रुपए एक साल में नुकसान हो रहा है। 20 से 25,000 धान का फसल, गेहूं का फसल, गन्ने का फसल, गन्ना बेच रहे हैं जाके क्रेशर पर 200 में। एक एकड़ की खेती करने वाले किसान को भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति के कारण 20,000 से 25,000 का नुकसान उठाना पड़ रहा है। महंगाई, फसल का सही रेट नहीं, बिजली का बढ़ा हुआ दाम, इसके कारण आपको 20 से 25,000 का नुकसान है। और 6,000 की घोषणा हो गई तो लोग खाता चेक करने जा रहे हो? थोड़ा भी स्वाभिमान सीखो यार। आपके बच्चों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं और आप 2,000 के लिए बैंक में चक्कर लगा रहे हो? कहां किस दिन आप सीखोगे, किस दिन आप बहस करोगे? और याद रखना, 15 लाख मिल गए हैं क्या? 15 लाख देते देते 2,000 बन रहे। 2,000 की बात करने वाले लोग अगर बहक कर फिर उनको वोट दे दिए तो याद रखना 5 साल बाद जो लोग यहां बैठे हो ना कुर्सियों पर बैठने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म कर देंगे। सिर्फ 2,000 रुपए के चक्कर में पड़ जाओगे तो कुर्सियों पर बैठने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे आज मैं देख रहा था, आप बताओ जब हम लोग सरकार में थे हम लोगों ने हर गांव में गरीब लोगों को जिनके पास एक बिस्वा भी खेत नहीं है
एक इंच भी खेत नहीं है, ऐसे परिवारों को आरक्षण के आधार पर 6,000 सालाना समाजवादी पेंशन देने का काम करते थे कि नहीं करते? और उत्तर प्रदेश के 55,00,000 परिवारों को 500 रुपया महीना के हिसाब से 6,000 सालाना समाजवादी पेंशन देने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने उन 55,00,000 परिवारों को खत्म कर दिया। इसलिए खत्म कर दिया, उसमें आरक्षण था, दलितों की आबादी के अनुसार पर उनका आरक्षण था, पिछड़ों की आबादी के अनुसार उनका आरक्षण था, माइनॉरिटी की आबादी के आधार पर उनका आरक्षण था, बड़ी जाति की आबादी के आधार पर उनका भी आरक्षण। लेकिन इनको लगा कि भाई 6,000 सालाना अगर हम 55,00,000 परिवारों को दे रहे हैं तो उसमें 50,00,000 परिवार पिछड़े अनुसूचित और मुस्लिम और अल्पसंख्यक परिवार थे, इन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि माननीय अखिलेश जी का वादा था कि हम दोबारा जब सरकार में आएंगे तो आज हम 6,000 जो सालाना दे रहे हैं हम उससे 12,000 सालाना देने का काम, और जो 55,00,000 परिवारों को दे रहे हैं उसे बढ़ा करके 1 करोड़ परिवारों को देने का काम करेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि हम जो किसान हैं, जिसके पास खेत है उसकी चिंता नहीं की। आज भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें 25% लोग ऐसे हों जो भूमिहीन हो, उनकी कोई चिंता नहीं है। और खेती उसको दे रहे हैं जिसका 25,000 का नुकसान हो रहा है, उसको 2,000 दे रहे हैं, तो बताओ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहस करोगे कि नहीं करोगे? पता लगा जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है उन्हीं को चाय भी पिला रहे हो। अच्छा ये बताओ कितने लोग ऐसे हो जो लोकसभा के वोट के दिन तक ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखोगे जो हमारे राजनीतिक विरोधी हाथ उठा करता हो? और हम देख लीजिए कहीं तो ठीक भी नहीं। जो आदमी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहता है, हमारे आरक्षण पर डाका डाला, हमारे अधिकारों पर डाका डाला, हमारे संविधान को कुचलना चाहता है, बड़ी मुश्किल के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी जलालत अपमान सहने के बाद इस देश में उस संविधान को लागू कराने का काम किया। और आज जब हम अपमान सह रहे हैं तो सोचो आज से 70-75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कितना अपमान सहा होगा, आप सोचो कितना अन्याय हुआ है। आप कब चेतोगे? एक दिन सुबह परमप्रीत थाने के सामने चले जाओ, देखो 6 बजे दलाल आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, और आप में से कोई दलाल नहीं रहता, वो दूसरे लोग, आप में से कोई दलाल नहीं रहता, 6 बजे पहुंच जाते हैं। और अब तो मैंने परसों फोटो देखा खुटहन ब्लॉक पर, प्रमाण पत्र ऐसा व्यक्ति दे रहा था जो 420 के आधार पर, चलो इधर खड़े इधर आ जाओ, 420 के आधार पर जिसने नौकरी पाई थी, जिसको 420 करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके ऊपर खुटान थाने ने कई मुकदमे कायम है, वो नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों को प्रमाण पत्र बांट रहा है, ये चैत्रवान पार्टी है। मैंने डीएम से कहा तुम्हारे, तुम डीएम हो, तुम्हारा यही चरित्र है कि थाने के अपराधियों से दलालों से प्रमाण पत्र बंटवा रहे हो, ये हालत है। इसलिए जब बड़े उद्देश्य की तरफ हम आप बढ़े हैं तो छोटी बातें साथियों नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे गठबंधन का उम्मीदवार होगा उसको जिताना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और हम समाजवादी लोग, हमारे नेता, हमारे 2-3-4 नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, या जो 2-3 और दल है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं,
इन लोगों ने जो गठबंधन का निर्णय किया होगा वो सोच समझकर किया होगा। हो सकता है वहां तक हमारी आपकी सोच न पहुंच रही हो, जिस सोच के साथ उन लोगों ने इस गठबंधन को किया है हो सकता है हमारी आपकी सोच वहां तक न जा रही हो, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, ऐसा व्यक्ति तो मैं बचपन में एक बार मैं छोटा सा था प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ सारे दिन दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। एक साल से डॉक्टर साहब थे उन्होंने शुरुआत कराई। एक बस बहुत मशहूर उस समय में नौटंकी हुआ करती थी सत्तार मास्टर, ये आज के बच्चे नहीं जानते, जानते हो बहुत मशहूर नौटंकी थी। तो उनकी नौटंकी का वहां नाच हो रहा था, हम भी चोरी चोरी घर से गए नाच देखने रात में। तो उस नौटंकी का जो जोकर था जो भी था उस जोकर का अगर कोई फेल कर पाया तो आज क्या आपकी प्रधानमंत्री ने किया और कोई नहीं। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब से यहां तक मुझे ऐसा जोकर मिला ही नहीं जैसा इस बार मिला मुझे। अभी गए थे आपने देखा होगा कुंभ में।